खरगोन जिले के कसरावद में अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों के भ्रमण पर निकले कृषि मंत्री सचिन यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर आज शनिवार को पीपलगोन अमलासा गांव के किसानों से चर्चा करते हुए शिवराज सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है। शिवराज सरकार को किसानों से कोई सरोकार नहीं। पीपलगोन से सलीम खान की रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र की जो साथी लोग हैं उनके हालचाल जानने के लिए आए हैं, कहीं पर कोई कमी हुई है वो कमी में बैठने के लिए, अपना संवेदना व्यक्त करने के लिए अपने साथियों के घर पर गए। और खाद बीज के किसानों की समस्या, देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार जो किसानों की अनदेखी कर रही है, आज हमारा किसान जो है चारों तरफ से परेशान हो रहा है। सरकार जो है किसी प्रकार से जो है किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का पूरा फोकस जो है सुविधाएं खरीदने पर लगा हुआ है जी। आज हमारे किसान को विवश होकर के महंगे दामों पर 400 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक जो है दे करके उसको यूरिया मिल रहा है, और यूरिया की भारी किल्लत है। आज सोसाइटियों में आप जाएंगे तो सोसाइटियों में आपको यूरिया नहीं मिल रहा है, लेकिन जो जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार के साथ में साठगांठ कर रखी है ऐसे लोगों के यहाँ यूरिया मिल रहा है, और वो पूरी तरह से कालाबाजारी करके हमारे किसानों को शोषण करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ये था हमारा सचिन यादव विधायक, पूर्व कृषि मंत्री। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।